हेलो दोस्तों, नया दिन नई शुरुआत। आज है मालिगू टाउन के अंदर। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। आज मालिगू टाउन में मैं आपको दिखाऊंगा 300 गज का बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डअप फ्लोर, 4 बेडरूम 4 वॉशरूम के साथ है। जहाँ पे प्रॉपर्टी है मैं उसी लेन में हूँ। ये बिल्कुल गेटेड सोसाइटी है। अगर मालिगू टाउन की अप्रोच की बात करें, NH 8 से तकरीबन 5 से 7 मिनट की ड्राइव पे है और सोना रोड से ये डायरेक्ट एक्सेस मिलता है इसको। दूसरी एक्सेस जो मिलती है वो मिलती है आपको गुडर्थ मॉल से, तो वहीं पर आपका कमर्शियल भी है। वहाँ पे मालिगू टाउन की अपनी खुद की एक मार्केट भी है। तो आज मैं प्रॉपर्टी भी लेके चलता हूँ। जी वेलकम बैक। फ्लोर पे हम आ चुके हैं, इसको क्लोज कर देता हूँ, बाहर से शोर आएगा। ये आपको ग्रैंड डोर मिलता है। अभी इसमें कुछ काम बाकी है, फिनिशिंग बाकी है। डोर सेट का आपको डिजिटल लॉक मिलता है। इसको करते हैं हम बंद। ये बैक साइड पे भी इसका डिजाइनर आपको मिलता है, सेम जो पैटर्न बाहर की तरफ है सेम पैटर्न आपको इनसाइड भी मिलेगा। वाइड और काफ़ी ह्यूज आपको डाइनिंग एंड लॉबी का स्पेस मिल रहा है, डेडिकेट मंदिर का स्पेस। और यहाँ पे आपका मिलता है ड्राइंग रूम, आपको सेपरेट ड्राइंग रूम मिल रहा है। सेंटर में आपको किचन मिल रहा है, बिल्कुल क्रॉस वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट के साथ। मैक्सिमम लोगों की डिमांड होती है कि फ्रंट में किचन चाहिए, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ एडवांटेज आपको इस लेआउट में मिलती है। फर्स्ट बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, सेकेंड बेडरूम विद कॉमन वॉशरूम, थर्ड बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, फोर्थ बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। और यहाँ पे आपको मिलता है डाइनिंग के ठीक सामने आपको ब्यूटीफुल LCD पैनल का स्पेस, और उसके नीचे स्टोरेज है। स्टोन का काम अभी बाकी है, वो धीरे धीरे हो जाएगा। पूरी बिल्डिंग में काम चल रहा था तो मैंने कहा नहीं, इसकी वीडियो हम बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम ड्राइंग रूम से। तो ये है इसका बहुत ही बेहतरीन ड्राइंग रूम का स्पेस, बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। हाईलाइटेड वॉल है जिसमें आपको वुडन का भी काम नजर आएगा और LED प्रोफाइल लाइट का भी काम आपको नजर आएगा। थोड़ा सा क्लासिकल डिजाइन है और LED प्रोफाइल लाइट भी आपको उससे कॉम्बिनेशन में मिल जाती है। मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी फ्रंट की बालकनी में। तो बालकनी में तकरीबन 4 फीट वाइड बालकनी है, ऊपर HPL लगा हुआ है और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा स्टोन वर्क है। आपको ये देखें तो ये काफ़ी ब्रॉड टाइल्स हैं बहुत ही अच्छे ग्रेन्स के साथ। और फ्रंट की बालकनी को 3 तरफ से एक्सेस है, ड्राइंग रूम से, किचन से और बेडरूम से। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत पीसफुल एरिया है। शोर जो भी आ रहा है वो हमारी खुद की साइड का ही है। अगर हम यहाँ से देखें तो बहुत ही वाइड, काफ़ी अच्छा आपको लेआउट मिलता है। अगर हम फॉल सीलिंग की बात करें तो आपको बीच में फॉल सीलिंग में POP का और WPC का पैटर्न नज़र आएगा। दोनों का मिक्सचर और बैलेंस वर्क आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो ये था इसका डाइनिंग और लॉबी का स्पेस। अब हम चलते हैं इसके ब्यूटीफुल किचन में। तो ये जो किचन है ये पूरा का पूरा आपको सिंगल कलर में ही नज़र आने वाला है। डार्क एंड लाइट का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन रहेगा। ऊपर की तरफ आप देखें तो आपको ग्लास एल्यूमिनियम प्रोफाइल के साथ आपको वुडन शटर्स मिलेंगे जिसमें आपको हाई ग्लोसी लैमिनेट्स हैं आपको इसमें मिलते हैं। ये आपको क्वार्ट्ज का स्टोन मिलता है, बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। 4 बर्नर फाइबर का हब, फाइबर की चिमनी, ऑटो सेक्शन, ऑटो क्लीन। यहाँ पे आपको हैटिक की फिटिंग्स मिलती है सारी, सॉफ्ट क्लोजर्स हैं। ये जो साइड है यहाँ पे आप काफ़ी हाई ग्रेडेड स्टेनलेस स्टील आपको मिलता है। ये आपको जैकवार की लॉन्ग बॉडी मिलती है। नीचे आप देखें तो RO का कनेक्शन आपको मिलेगा, उस तरफ से आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपको डस्टबिन के लिए भी स्टोरेज मिलती है। ऊपर आपको स्टोरेज काफ़ी अच्छी मिल रही है। ये आपको मिलता है टॉल यूनिट। ओवरऑल किचन का साइज काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपका डबल डोर रेफ्रिजरेटर भी
आ जाएगा आराम से। फाइबर का ही माइक्रोवेव मिलता है और ओटीजी मिलता है। तो ये था इसका ब्यूटीफुल किचन। अब चलते हैं उसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये है इसका फर्स्ट बेडरूम। हाइलाइटेड वॉल, बहुत ही क्लासिकल डिज़ाइन में आपको मिलती है। LED प्रोफाइल लाइट्स, POP का काम, क्लासिकल डिज़ाइन, आपको सब कुछ इसमें कंप्लीट मिलता है। फैंसी लाइट्स भी मिलेंगी आपको। ये आपको डायकन का AC मिलेगा। बीच में आपको फॉल सीलिंग में पैटर्न बड़ा डिसेंट मिलता है आपको, बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग के साथ। फ़ैन आपको हैवल्स के मिलते हैं। इस बेडरूम के साथ आपको फ्रंट की बालकनी का एक्सेस मिलता है। और यहाँ पे आपको ये भी हाइलाइटेड वॉल है और यहाँ पे भी नीचे भी आपको स्टोरेज मिलती है। अब हम चलते हैं इसके वॉशरूम में। ये है इसका डिज़ाइनर वॉशरूम। जैक्वार का क्यूबिकल है इंस्टॉल्ड। सारी फिटिंग्स आपको जैक्वार की मिलेंगी। टाइल्स आपके सामने हाई ग्लोसी में है, वेरी नाइस। ये आपको बहुत ही अच्छा टॉप मिलता है। नीचे वैनिटी, बहुत ही अच्छी वैनिटी आपको। स्लाइडर द्वारा बहुत ही स्मूथ आपको स्लाइडर मिलते हैं। यहाँ पे आपको मिलती है अलमीराज 1, 2, 3, 4, 5। 5 सेक्शन वार्डरोब आपको इनसाइड मिलती है। अंदर की तरफ काफ़ी कमेंट्स आए कि बाहर होनी चाहिए, बट आजकल जो ट्रेंड ही अंदर की तरफ आ गया, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम। फर्स्ट बेडरूम से बाहर आके आपको इस तरीके का फील मिलता है। सेकंड बेडरूम में जाने से पहले आपको डाइनिंग दिखा दूं। ये आपको डाइनिंग मिलता है, दो आपको शैंडलियर मिलते हैं। थोड़े से मुझे लगता है कि शायद ये ट्रेंड के अलावा कोई और अच्छे और भी लग सकते थे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लगाओ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऊपर आपको मिरर वर्क का काम नज़र आएगा और दोनों तरफ हाइलाइटेड वॉल नज़र आएगी। यहाँ पे आपको LCD पैनल के लिए वॉल मिलती है और यहाँ पे आपको डाइनिंग के लिए आपको पीछे की वॉल मिलती है। तो यहाँ पे भी आप अपना छोटा सा लॉन्च क्रिएट कर सकते हैं और डाइनिंग आप इस तरफ लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा डाइनिंग का स्पेस मिलता है। तो इट्स अप टू यू, जब आप आएँ तो अपने अकॉर्डिंग भी आप देख लें जब आप विजिट करने आए। ये है इसके सेकेंड बेडरूम की बैक, जिसमें आपको ऊपर की तरफ पनिंग मिलेगी POP की और नीचे की तरफ आपको हाफ वुडन पैनलिंग में नज़र आएगी, जिसमें आपको LED प्रोफाइल लाइट भी नज़र आएगी। तो यहाँ पे अगर बेड लगाओ तो पीछे से लाइट नज़र आएगी, तो बहुत अच्छा लुक आएगा आपके रूम का। ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 5 सेक्शन आपको वार्डरोब आपके रूम में मिलती है और आपके सामने LCD पैनल का स्पेस, जो कि आपको पूरा स्पेस बनकर ही मिलता है। तो ये बेस्ट पार्ट है इस रूम का। इसके अंदर नेचुरल लाइट आने की जगह नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो मिलती है। तो ये इस रूम का छोटा सा ड्रॉबैक है, जो मैक्सिमम 300 गज के अंदर ये आएगा ही आएगा। ये है इसका सेकेंड वॉशरूम, जो ये कॉमन भी रहेगा। टाइल बहुत लाइट ब्लू कलर के अंदर आ रही है। ग्रेन्स आपके सामने स्टोन की फिनिशिंग नज़र आती है। ये टॉप है इसका, नीचे वैनिटी है और ये इसका बाथिंग एरिया। जैक्वार की सारी फिटिंग्स हैं, डिसेंट सा साइज है। नीचे आपके ब्लू कलर की टाइल है मैट फिनिशिंग के अंदर, तो डिसेंट सा साइज है। टाइल का कलर थोड़ा सा और चेंज हो सकता था, फीडबैक दे सकते हैं बिल्डर को फ्यूचर के लिए। हालांकि बहुत लोगों को ये भी अच्छा लग सकता है। तो ये था इसका सेकेंड बेडरूम, जो कि अच्छे खासे साइज़ के अकॉर्डिंग मिलता है। और इसका थर्ड बेडरूम, एंट्री करते ही आपके ठीक लेफ्ट हैंड साइड पे बेड की बैक मिलती है। अगेन POP का वर्क नज़र आएगा आपको, दोनों फिक्स फैंसी लाइट्स नज़र आएंगी। अच्छा डिसेंट साइज़ है बेडरूम का, देखें तो काफ़ी ह्यूज ये मास्टर बेडरूम का फील देता हुआ। इसमें जो मुझे लगा ये क्लासिकल डिज़ाइन के ऊपर बेस्ड है, नहीं तो मैक्सिमम आज का जो ट्रेंड है वो सारी जगह आपको वुडन पैनलिंग नज़र आती है, जिसमें आपको इनबिल्ट कंसील्ड डोर्स मिलते हैं। तो ये बहुत लोगों को सिंपल घर चाहिए होते हैं, उनमें से एक है ये बिल्ड क्वालिटी। इस बिल्ड ये आपके सामने LCD पैनल की वॉल, अगेन POP का काम आपको पूरे घर में नज़र आएगा। तो यहाँ पे भी उसी तरीके का क्वालिटी नज़र आएगी। नीचे आपको आपके सामने स्टोरेज है, LCD पैनल के लिए आपको कनेक्शंस मिलते हैं और डायकन का AC आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको नज़र आएगा। तो हर तरफ आपको POP का काम आपको नज़र आने वाला है। यहाँ से हम चलते हैं इसके वॉशरूम में। ये है इसका वॉशरूम। ये टाइल्स मुझे बहुत सूदिंग लगी, बहुत ही अच्छा कलर है, सटल लुक में आपको ये वॉशरूम मिलता है।
ये वुडन स्टोरेज मिलती है, यहाँ पे आपको स्लाइडर्स मिलते हैं, ये आपका वॉकिंग एरिया, ये इनले वर्क आपको नजर आएगा, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा, ये बहुत लग्जरी फील देता हुआ कि वाला वॉशरूम, वेरी नाइस। ये है आपको 6 सेक्शन वॉटड्रॉप्स मिलेगी, थोड़ा सा सैम्पलिंग दिखा दूँ, वेरी नाइस। एलईडी प्रोफाइल लाइट्स लगी हुई हैं, अभी ऑन नहीं है, 1, 2, 3, 4 4 आपको स्टोरेज मिलती है, वुडन स्टोरेज अंदर की तरफ ड्रॉर वाली, अच्छा पैनल दिया है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये तो बहुत ही डिसेंट लग रहा है, टॉप बहुत ही क्लासिक फिनिशिंग है। तो ये नंबर वन वॉशरूम हो गया मेरे साइड से, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही क्लासिकल डिज़ाइन। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ बेडरूम में, आ जाइए आपको लेके चलता हूँ इसका फोर्थ बेडरूम। वास्तु के अकॉर्डिंग बेड की बैग इन्होंने यहीं पर रखी है, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव फिनिशिंग दे दी, थोड़ा सा ब्लूश कलर मिलता है, ग्रे और ब्लू कलर का मिक्सचर मिलता है, पूरी की पूरी हाईलाइटेड वॉल, बहुत ही डिज़ाइनर वॉल मिलती है, ऊपर फॉल सीलिंग का भी डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है। अप डाउन फिनिशिंग में आपको मिलता है, और ये मिलते हैं आपको 5 सेक्शन वार्डरोब, ये आपके रूम के अंदर मिलती हैं, बहुत लोगों को ये चीज़ अच्छी लगने वाली है। 1, 2, 3, 4, 5 सेक्शन हाई ग्लॉसी लैमिनेट के साथ यू फिनिशिंग में, अब PVC फिनिशिंग में आपको मिलता है। तो ये थी बैक साइड की बालकनी, जो बैक साइड की बालकनी है काफ़ी वाइड है, उसमें आपको वहाँ पे भी टाइल्स रख के मिलती हैं, ये वॉशिंग एरिया इंडिकेट हो रहा है। बालकनी के फिटिंग्स आउटर आपके सामने यहीं पर है, ये आपको जो थर्ड बेडरूम दिखाया था वो है, और ये है फोर्थ बेडरूम। सामने LCD पैनल की वॉल बिल्कुल ब्लैंक है, तो यहाँ पे भी अगर हाईलाइट कर दे तो अच्छा लगता। तो ये थोड़ा जो कलर है इस रूम का थोड़ा सा ग्रेइश, लाइट ग्रेइश कलर के टोन में आता है। अब चलते हैं इसके फोर्थ वॉशरूम में, नीचे की जो टाइल्स हैं किस तरीके से डिज़ाइनर फिनिशिंग देती हुई, और ये आपको वॉकिंग एरिया आपको मिलता है, ब्लैक कलर की टाइल्स हैं, बहुत ही हाई ग्लोसी, राउंड शेप में आपको मिलता है मिरर, जैकवार की सारी फिटिंग्स हैं, टॉप भी बहुत अच्छा निकल के आ रहा है फिनिशिंग में। तो अभी तक वॉशरूम की जो फिनिशिंग है बहुत टॉप नॉच है, बेडरूम भी काफ़ी अच्छे निकाले हुए हैं, कहीं कहीं POP का काम मुझे थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा एक्सेस हो गया, बट हर किसी को सिंप्लिसिटी भी पसंद आती है, तो ये लेआउट मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली चीज़ जो मुझे इसमें सबसे अच्छी लगी वो है लेआउट, ओपननेस, लोकेशन, अप्रोच, ये सारी चीज़ें आपको इसके साथ मिलती हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको वर्कमैनशिप की आप आएँ आपके अकॉर्डिंग नज़र आएगी, तो वो है मुझे लगता है कि अभी फ्लोरिंग पे काम अभी बाकी है, तो फ्लोरिंग अभी चमकने बाकी हैं, थोड़ा सा है अभी काम, जो आप जब आप आएंगे तो आप देखेंगे। मंदिर जब आपको सारा कुछ रेडी कर दिया तो मंदिर भी बना के दे देना चाहिए था, हालांकि ये बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लोकेशन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, साइड विजिट प्लान करनी है तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए रेगुलर ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। अगले हफ्ते मैं अगेन 2-3 वीडियो आपके पास लगातार लेके आऊँगा, क्योंकि लास्ट वीक मैंने नई वीडियोज डाली। तो मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन गुड बाय।